निर्देशक संदीप सावंत की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है या कोशिला नावस नाही। विषय वस्तु की अच्छी जानकारी मीडिया पर सही पकड़ के कारण निर्देशक संदीप सावंत का हर निर्देशन अलग रहा है। निर्देशक संदीप सावंत ने खुद से पूछे गए सवालों, अपने आसपास की समस्याओं को अपनी फिल्मों के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। डायरेक्टर संदीप सावंत श्वास, नदी वाते जैसी फिल्मों के जरिए सिनेमाटोग्राफी की अपनी गहरी समझ दिखा चुके हैं। मराठी फिल्में न सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि उसकी ताकत के साथ जीने की प्रेरणा देने का काम भी करती रहती है। एक या दो नहीं बल्कि ऐसी कई फिल्में मराठी सिनेमा की समृद्ध श्रृंखला में बुनी गई है। इसी क्रम में निर्देशक संदीप सावंत ने अपनी नई फिल्म या कोशिला नावस नाही इसके जरिए एक खूबसूरत फूल बुनने की कोशिश की है। 8 नवंबर को पेनोरमा स्टूडियोज प्रस्तुत फिल्म या कोशिला नावस नाही हर जगह रिलीज होगी। यह फिल्म डॉक्टर सतीश कुमार अड़गोंडा पाटिल के उपन्यास मृत्यु स्पर्श पर आधारित है। विपरीत परिस्थितियों में जीने का गुण किसी के पास नहीं है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति असीम दृढ़ संकल्प का स्तंभ खड़ा करके उस संकट से उबर जाता है। हर किसी के जीवन में कई मौके आते हैं जिनमें व्यक्ति के साहस और दृढ़ता की परीक्षा होती है। मैं नायक मुकुंद जवसाद की गहराइयों में है, कैसे अपने परिवार की मदद से आत्मविश्वास से जीवन का सामना करता है, इसकी प्रेरक कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म में जयदीप कोडोलीकर, प्रथमेश अत्रे, चैतन्य खेबीकर, अनुराधा धमाने, अवधूत पुद्दार, सीमा मकोटे, प्रतीक्षा खासनी आदि कलाकार नजर आएंगे। निर्देशक संदीप सावंत का कहना है कि अपने प्रियजन को दर्द और पीड़ा में देखना जीवन में कष्ट सहने से भी अधिक कष्टदायक है। कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, डॉक्टर सतीश कुमार अड़गोंडा पाटिल, डॉक्टर अंजलि सतीश कुमार पाटिल निर्माता है। मुरलीधर छतवानी, रविन्द्र ओटे सह निर्माता है। सहायक निर्माता रजत गोस्वामी है। इस फिल्म की पटकथा संवाद निर्देशन संदीप सावंत का है, छायांकन प्रियशंकर घोष और संकलन दिनेश पुजारी ने किया है। साउंड डिजाइन सुहास किशोर राणे का है। बैकग्राउंड म्यूजिक विवेक पाटिल, आकाश जाधव का है। वेशभूषा कुलदीप चौहान, सेजल पाटिल, राजश्री चारी की है। री रिकॉर्डिंग मिक्सर अनूप देव सीएस द्वारा है और पेशेवर सलाहकार देवयानी गांधी है। फिल्म का वितरण पैनोरमा स्टूडियोज ने संभाला है। संगीत वितरण पैनोरमा म्यूजिक द्वारा संभाला जाता है। ह्या गोष्टीला नावच नाही आणि ही फिल्म प्रोड्यूस केले पायस मेडिलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड या हॉस्पिटलने। निर्माते आहेत सतीश कुमार पाटील आणि ही पूर्ण फिल्म कोल्हापूर, इचलकरंजी, जयसिंगपूर आणि सांगली ह्या पूर्ण भागामध्ये प्रोड्यूस झालेली आहे। म्हणजे इथली प्रोडक्शन, तिथली फिल्मची प्रोडक्शन टीम, डिरेक्शन टीम, ॲक्टर्स, डिझाईन टीम ही पूर्ण ह्या परिसरातली आहे। ॲक्टर्समध्ये सगळे नवीन ॲक्टर्स आहेत, जवळजवळ ऑलमोस्ट सगळ्यांची पहिली फिल्म आहे। ही फिल्म आता 8 नोव्हेंबरला रिलीज होते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि पॅनोरमा स्टुडिओज ही फिल्म प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट करतात, डिस्ट्रीब्यूट आणि PNA करतात। 8 नोव्हेंबरला रिलीज होते अशा पद्धतीने होत्या। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।